हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में इंग्लिश ग्रामर, जो हमारी न्यू इंग्लिश जनरल कोर्स है, उसके अंदर हम आगे का जो लेसन है वो आज पढ़ेंगे। तो आगे का जो है वो रिवीजन करवा देते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल, जो सिंगल पर्सन होते हैं उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और मोर देन वन सिंगुलर पर्सन से सिंगल पर्सन से ज़्यादा होते तो हम उसको बोलेंगे प्लूरल। फिर उसके बाद मैंने आपको दिस और दैट का वो समझा था। तो जो दिस है हमारे पास, हमारे नज़दीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये बोर्ड है, तो हम क्या कहेंगे, तो दिस इज अ बोर्ड, जो मेरे से दूर एक कैट बैठी है वहाँ, तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज अ कैट, वह कैट है, यह बर्ड है। तो दिस और दैट वो भी मैंने आपको समझाया था। फिर वेल्स, जो ए ई आई ओ यू, जो पांच हमारे अल्फ़ाबेट है, जो वर्ड्स के जो पहले अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू, वो पांचों में से कोई है तो उसके सामने हमें लिखना है एन, और उसके अलावा जो है तो हम उसके सामने लिखेंगे ए। वो भी मैंने आपको वेरीफाई करा दिया था। अब आगे का जो लेसन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 11 ओपन करो। दैट इज यूज टू पॉइंट आउट अ डिस्टेंस थिंग और पर्सन। डिस्टेंस के लिए दैट यूज होता है। दैट इज यूज बिफोर सिंगुलर, जो दैट इज वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैसे कि डिस्टेंस, जो मैं यहाँ पर हूँ और एक बेंच वहाँ पर है, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ ना, इसलिए हम दैट यूज करेंगे। और जो नज़दीक के लिए, हमारे पास के लिए, जो उसके लिए हम दिस का वर्ड्स यूज करेंगे। तो जो आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि तो ये बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि ये काइट है, वह काइट है, मतलब उससे दूर है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस हुआ, वो बादल के अंदर उड़ रही है, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ। तो ये लड़का बोल रहा है कि ये काइट है, तो हम क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, दैट इज अ kite, that is a kite, यह kite है, तो वास दूर हुआ, हमारे पास नहीं है, हमारे से बहुत दूर है, डिस्टेंस है, तो ये रहा। यहाँ पर एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, उसके हैंड में एक पेन है, ये क्या है, पेन। बाकी लड़कों को बता रहा है कि ये पेन है, बाकी लड़कों को ये बता रहा है कि ये पेन है, तो इसका क्या हुआ, तो सामने वाला लड़का एक खड़ा होकर बोला दिस इज अ पेन, इसका इंग्लिश में ये होगा दिस इज अ पेन, क्योंकि वो पेन है वो उसके पास थी, उसके पास उससे नजदीक थी,
इसलिए वहां पर आएगा दिस इज अ पेन। तो ये दोनों क्यूरिफाइड, ये हमारे पास के लिए यूज होता है और ये हमारे दूर के लिए यूज होता है, ये नजदीक और ये दूर। गुजराती में हम बोलेंगे दिस शब्द नजीक माटे वापरवामां आवे छे अने धेट शब्द दूर नी वस्तु की चीज माटे वापरवामां आवे छे। तो ये दिस जो वर्ड है वो हमारे पास जो चीज है उसके लिए यूज होता है और दैट हमारे से दूर है, बहुत डिस्टेंस है, उसके लिए जो दैट वो शब्द यूज होता है, जो वर्ड्स यूज होता है। तो पेज नंबर 11 आपने ओपन किया होगा, तो वहाँ पर है बॉक्स के अंदर चार सेंटेंस दिए, दैट इज अ मंकी, दैट इज अ फैन, दैट इज अ बोट, दैट इज अ मैंगो ट्री। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस, आपको पिक्चर देखना है और सेंटेंस लिखना है। एक आपको एग्जाम्पल दिया है, दो आपको सिखाऊंगा और जो फोर्थ नंबर का है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का है मदर से, मदर उसकी मम्मा बोल रही है दैट इज अ फैन, वो फैन है, दैट इज यहाँ पर फैन और मम्मा यहाँ पर है, दैट इज अ फैन, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ। फिर उसके बाद है सेकंड नंबर पर है द फार्मर से, फार्मर बोल रहा है ये वो यहाँ पर है और ट्री जो है वो उससे दूर है, तो वो बोल रहा है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ। तो भाई वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दैट द फार्मर से, तो वह बोल रहा है कि दैट इज अ मैंगो ट्री, वह मैंगो ट्री है। तो सेकंड नंबर पर आएगा That is a mango tree. फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर देखो, एक लड़का है और एक घर के ऊपर एक बंदर है, मंकी। द चाइल्ड से लड़का बोल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मंकी है, वह मंकी है, तो उसका हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट इज अ मंकी, दैट इज अ मंकी। जो सेकंड और जो थर्ड का जो नीचे जो ब्लैंक दिए उसके अंदर आपको ये सेकंड और थर्ड का लिखना है और जो फोर्थ नंबर का है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो सेकंड और थर्ड का लिख सकते हो, उसके नीचे से एंड राइट दिस वर्ड्स, वही के वही वर्ड्स सेम टू सेम आपको उस नीचे ब्लैंक दिए उसके अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेसन है दिस एंड दैट के मदद से आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको जो दो वर्ड्स दिए दिस और दैट की मदद से आपको वो ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 12 पर आप ध्यान दे सकते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस और दैट, फिलिंग द ब्लैंक में आपको दिस और दैट की मदद से
तो आपको वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसा है। अभी आप समझना, ये आप है, ये आप है। यहां पर हम ड्रॉ करेंगे कैट और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे जो वज है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है जो इस, ये आपको पता है और ये भी आपको पता है, ये सबसे जो डिस्टेंस है वो सबसे क्लोज है, सबसे नज़दीक है, और जो ये डिस्टेंस है वो सबसे दूर है। तो कौन सा यूज होगा यहाँ पर, दिस होगा या दैट वर्ड यूज होगा। तो ये क्या है, आप समझ लो आप ये हो और आपके पास एक वॉच है, मतलब आपके हाथ में होगी या आपके बाजू में पड़ी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास होगी, तो पास के लिए, नज़दीक के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, दिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, वो आप लिखना आपने से। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखो, आपसे नज़दीक नहीं है, आपसे बहुत दूर है, तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप दूर के लिए आप क्या यूज करेंगे, देयर। तो वहां पर आएगा देयर इज अ काइंड, जो वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। यहाँ पर एरोप्लेन है, तो आप क्या लोगेंगे, देयर इज एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। एरोप्लेन के पहला जो वर्ड्स का जो पहला अल्फाबेट है वो ए है। तो मैंने आपको बताया कि ओ वेल से हमारे ए आई ओ जो पांच अल्फाबेट है उनमें से जो ए है वो हमारे वेल से, तो उसके सामने हम क्या करेंगे, एन। तो ये दिस और दैट की मदद से आपको जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। सिक्स तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, सेवन और एट नंबर की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। तो फर्स्ट नंबर पर है, एग्जांपल दो दिए, फर्स्ट और सेकंड। दिस इज अ कोक, जो नज़दीक है तो दिस इज अ कोक, और जो दूर है पिकॉक, तो वहाँ पर आएगा दैट इज अ पिकॉक। अब थर्ड नंबर पर देखो, जो फ्लैग है वो नज़दीक है एक बच्चे के हाथ में, तो वहाँ पर आएगा दिस इज, वहाँ पर कौन सा वर्ड्स यूज होगा, तो वहाँ पर दिस वर्ड्स यूज होगा, तो वहाँ पर आएगा दिस इज अ फ्लैग, दिस इज अ फ्लैग। तो थर्ड नंबर पर है दिस इज अ फ्लैग। फोर्थ नंबर पर देखो, उसमें भी फ्लैग है, वो क्या है, दूर है, वो क्या है, दूर है, तो वहां पर आएगा दैट इज अ फ्लैग।
फिफ्थ नंबर पर देखो, एक डॉग है जो हमारे पास है, तो वहाँ पर क्या आएगा, ब्लैंक इज अ डॉग, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड्स होगा यूज, वहाँ पर होगा दिस, वहाँ पर क्या होगा दिस, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज अ डॉग। सिक्स नंबर पर देखो, एक जो घोड़ा है वो भाग रहा है, मीन्स बहुत दूर है, वो भाग रहा है रास्ते पर, आपको मीन्स कल्पना करनी है कि वो भाग रहा है, आपको इमेजिंग करना है कि वो भाग रहा है, तो सिक्स नंबर पर क्या आएगा, ब्लैंक इज अ हॉर्स, तो वहां पर आएगा दैट इज अ हॉर्स। ये सॉरी, ये आपको ब्लैंक के अंदर लिखना है। और इसके बाद जो सेवन नंबर पर है, एरोप्लेन है वो आपसे नजदीक है, नहीं वो आसमान पर बादलों में उड़ रहा है, मीन्स चल रहा है बादलों में से, तो वहां पर क्या आएगा, दैट इज एन एरोप्लेन। फिर से हमारे जो व्हेल्स आए तो उसके सामने क्या आएगा, एन, तो वहां पर आएगा सिक्स नंबर पर आएगा दैट इज अ हॉर्स, सॉरी दैट इज एन एरोप्लेन। उसके बाद नेक्स्ट एट नंबर पर देखो, जो स्कूटर है वो हमारे पास है, तो वहां पर क्या आएगा, दिस इज अ स्कूटर। वो सेवन और एट नंबर का वो आपको अपने हिसाब से लिखने। फिर उसके नीचे देखो, से एंड राइट दिस वर्ड, से एंड राइट दिस वर्ड, वो भी आपको अपने हिसाब से लिखना है, वही के वही सेम टू सेम, ऊपर जैसे दिए वैसे ही वैसे आपको सेम टू सेम आपको वो वर्ड्स लिखने और बोलने हैं। लेसन नंबर वन से लेकर जो लेसन नंबर वन से लेकर हम टेन तक सीखे, तो वहाँ पर जो जो से एंड राइट दिस वर्ड्स, जो नीचे दिए गए जो वर्ड्स है वो आपको बोलने हैं, और उसके साथ भी आपको वो वर्ड्स, उसके नीचे जो ब्लैंक थे वही के वही सेम टू सेम वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 30, वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में वो सीखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में वो सीखेंगे। तो यहाँ तक आई होप, यहाँ तक मैंने वन से लेकर टेन तक जो इंग्लिश ग्रामर की हमारे जो न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपने वो सारे के सारे जो मैंने लिखा है वो आप भी आपने लिखे होंगे वर्कबुक के, सॉरी जो बुक है उसके अंदर आपने लिखे होंगे, और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो लेसन है, जो लेसन नंबर 11, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपको फिर से वही बुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।